कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक है वेग, फोर्सफुल फोर्स, इतना सीवियर फोर्स कि आप उससे बच ही नहीं पाते। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा सतर्क ना रहें तो हम इस फोर्सफुल फोर्स से बच ही नहीं पाएंगे और ये हमारे को पतन का कारण बन सकता है। ना वेग इज लाइक कि इतना सीवियर एकदम से आ रहा है, जैसे टोर्नाडो की तरह आता है और वो हमें पूरा हिला के रख देता है और हम उसके वश के अंदर हो जाते हैं। सो इट्स मोर देन अ स्पीड, इट्स मोर देन अ स्पीड। एक स्पीड होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, पर वेग ऐसा एक अर्ज है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल अर्ज है जो आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने को मजबूर कर देता है कि आप जो है आगे रिग्रेट करते हैं। तो हमें इस वेग से बचने के लिए, किस चीज़ का वेग है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और हमें इससे क्यों बचना चाहिए और ये हमें कहाँ पे डिस्क्रीशन लाना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम इसको पहचान सकें और इसके आने से पहले या इसके आते ही हमारे पास जो हो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो। तो ये बता रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 60, भगवान हमें सतर्क कर रहे हैं कि इंद्रियों का वेग जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी अर्जेस इतनी स्ट्रांग होती है तो टॉलरेट करो। एक बार उसकी लत में लग गए, एक बार उसको टच कर लिया, उसकी बात मान ली, उसको पूरा कर लिया, तो देन फायर निश्चित है, तब तो आग लग ही जाएगी। लेकिन जब वो वेग आ रहा है, जब वो अर्ज आ रहा है, तब उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। और अगर टॉलरेट नहीं किया, क्योंकि अगर आपने टॉलरेट किया तो कुछ सेकंड्स के बाद वो चला जाएगा, लेकिन यदि आपने टॉलरेट नहीं किया और आपने उस इंद्रियों की बात मान ली और उस समय उस सेंस को इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा भी ढील दे दी, तो जंगल में जैसे एक चिंगारी से पूरा जंगल भस्म हो जाता है, वैसे ही वो जंगल की आग की तरह आपकी कॉन्शियसनेस में स्प्रेड हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञान्ति मेरांधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं रखा और वो रस्सी को हल्का सा ढील दिया तो उनका पतन हो गया, ठीक है। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वो डिस्क्रिशन रखा और वो आगे बढ़ गए। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें एक इंटेलिजेंस टॉलरेंस कल्टिवेट करनी पड़ेगी इस वेग से बचने के लिए, सेंसेस के लिए। अब किस प्रकार के वेग होते हैं, जैसे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ठीक है। वाचो वचन का वेग होता है कि आपको बोलने की, लोगों को बोलने की आदत होती है, बोलते रहेंगे। अरे कोई अगला सुन रहा है नहीं सुन रहा, लेकिन उनको बोलने की आदत है, वाचो वेगम, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आजकल पूरा वर्ल्ड जो है ऐसे नॉवल से भरा हुआ है, ऐसे लिटरेचर से भरा हुआ है जिसका ना सर है ना पैर है, जस्ट लोगों के मन में कुछ भी थॉट आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे यू नो विदाउट स्क्रूटनी इन्होंने यूज़ किया है कि किसी का भी मन आया तो कोई भी फिलॉसफी ला के डाल दी, कुछ भी बोल दिया, लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया, जनता को कन्फ्यूज़ कर दिया। कोई हल्का सा भी अच्छा वक्ता है जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसने अपना थॉट प्रोसेस बनाया, उसको बोलना शुरू कर दिया, एक फिलॉसफी क्रिएट कर दी। तो दिस इज़ लाइक कि आप एक जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपका वाचो वेग, जो वेग है बोलने का वेग है, वो आपका कंट्रोल नहीं है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन मन का वेग, मन में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, मन के अंदर कितने प्रकार के विचार आते हैं, और यही मन का वेग जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्रोध वेगम, क्रोध का वेग मतलब गुस्से का वेग, जब गुस्से का इतना वो आता है, हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, हम डिस्टिंक्शन यू नो रोड रेज केसेस हो जाते हैं कितने, कि एक छोटी सी बात पे गन निकल गई, मार दिया, थप्पड़ मार दिया, बिल्कुल अनसिविल बिहेवियर हो जाता है, ये क्या है, ये क्रोध वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम,
जीवावेगम उग्र उद्र प्रस्थान वेगम, जीवावेग खाया, खाने पे कोई स्क्रूटनी नहीं है, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जितना मन चाहा खाते रहे, मतलब स्क्रूटनी नहीं है, क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज हो जाते हैं। तो ये क्या है, जीभ टेस्ट का वेग है। और अगेन एक टंग का वेग आता है, जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को उल्टा बोलते हैं, ऐसा वेग भी होता है जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। और उद्र प्रस्थान वेगम क्या है, एक तो स्टमक का वेग हो गया कि आप अगेन खा रहे हो, पेट भरा हुआ भी है तो, लेकिन फिर भी आप उसको भर रहे हो। और सिक्स्थ होता है जेनिटल्स का वेग, मतलब सेक्स क्रेविंग एडिक्शन। आजकल पूरी सोसाइटी, सोशल नेटवर्किंग, आपका ये जितना भी मूवीज़ और ये सारी चीज़ें, क्या सेक्स को बीच में रख के उसको ओरिएंटेशन के अराउंड सब चीज़ें रिवॉल्व करती रहती है। जस्ट सेक्स हैज़ बीन ग्लैमराइज, और उसकी वजह से क्या हुआ, रेप्स केसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स लोगों के हो गए हैं, छोटी छोटी एज में लोग कंसीव कर रहे हैं, 16, 15 साल की एज में, स्क्रूटनी नहीं है, फिर कंसेप्शन हो गया, अबॉर्शन कराया, अबॉर्शन गलत जगह से कराया, इवन लाइफ के ऊपर थ्रेट आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक वेग कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये सिक्स वेग्स हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है। और जैसे ही आपने इन वेग को एक हल्की सी भी छूट दे दी, हल्का सा भी आपने इनको वो कर दिया, तो पतन निश्चित है, आपका फॉल डाउन निश्चित है। आज नहीं तो कल ये ऐसा लगेगा कि आप नीचे गिर रहे हैं। तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपने इस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए, कम से कम हमें उनसे लर्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम इन एग्जांपल्स से भरा हुआ है, और हमें श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सी आप देखिए, ये सिक्स वेग्स जो हैं आपके डिसीज का कारण है। अगर आपने इन अर्जेस को कंट्रोल नहीं किया तो ये डिसीज का कारण है। वाचो वेग, अगर आपने किसी को बोलते रहे, लोगों को बीमारी हो जाती है बोलने की, लोग चुप नहीं होते अगर उनको वो है, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, वाचो वेगम। ठीक है, मनसा माइंड का डिप्रेशन, अगर उसका वेग नहीं कंट्रोल किया तो डिप्रेशन, वाचो वेगम मनसा। क्रोध वेगम, अल्सर्स, स्टमक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, गॉल स्टोन्स, क्या है ये, गुस्सा अंदर रिस्टोर किया या निकाला उसकी वजह से। जीवावेगम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना। उद्रवेगम, उद्रवेग पेट का वेग, पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, पेट को आपने समय पे नहीं खाया, टाइम पे नहीं खाया, और आपने बहुत ज़्यादा पेट भर लिया और डिस्टिंग्विश नहीं किया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस हिसाब से खाते गए तो बीमारियाँ, और सेक्स से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स आई हैं। तो रह के पूरी मेडिकल साइंस ये 6 वेग के अंदर कंट्रोल हो जाती है। पूरी मेडिकल साइंस ये 6 वेगों को, अगर हमने इन अर्जिस को कंट्रोल नहीं किया, बीमारियाँ होंगी, रिलेशनशिप जो ख़राब होंगे वो अलग, पर प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले पढ़ते हैं हम श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं। यता तो है अपि कौन्तया पुरुषस्य विपाश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो आप देखिए, लोग इसको प्रयत्न करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, बहुत तरह की तपस्या करते हैं। बहुत सारे सन्यासियों का अपनी लाइफ के एंड में फॉल डाउन आया, क्यों, सेक्स की वजह से। वो किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो गए, विवाह कर लिया, सन्यास आश्रम छोड़ दिया। सन्यास का मतलब क्या हुआ, उन्होंने थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करी कि मेरे को अपने सेक्स की अर्ज को कंट्रोल करना है, मुझे खाने की अर्ज को कंट्रोल करना है। हिमालय पर्वत में बिना स्वेटर के चढ़ गए, हिमालय पर्वत में ठंडे पानी से नहा लिए, इतनी ज़्यादा तपस्या करी, लेकिन एक वेग आया, चाहे वो क्रोध का वेग हो। जैसे विश्वामित्र की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि पहले मेनका आई तो लस्ट की वजह से वो वेग आया, लस्ट का उसमें बह गए, सारा तपोबल लूज हो गया। फिर रंभा आई तो उसको गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा किया, उसको पत्थर बना दिया, तो
तो सारा तपोबल चला गया। फिर त्रिकंशु आए, उनको अपने पावर, अपने अहम, अपने अहंकार के कि हाँ मैं बहुत बड़ा ऋषि हूँ, उसको उसी की बॉडी में स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, तो सारा तपोबल खराब हो गया। तो ऐसे विवेकशाली पुरुष को भी ऐसे वेग जो हर लेते हैं, जो थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अपने इस वेग को कंट्रोल करूँ। सो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्र भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, यहाँ तक के विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्र निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, इंद्रियों को कंट्रोल तपस्या कर रहे थे, विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। द फेमस केस ऑफ द बिल क्लिंटन एंड मोनिका लुविंस्की का जो फेमस केस है कि बिल क्लिंटन वॉज वेरी फेमस, अमेरिका उस समय पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था और बिल क्लिंटन को सबसे शक्तिशाली मनुष्य माना जाता था, लेकिन सिर्फ एक लस्ट के कारण एक वो वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनका जिस लेवल पे उनकी प्रसिद्धि थी कि अमेरिका जैसे देश की, उसी लेवल पे उनकी बदनामी हुई। ये खबरें हमें याद है, 90s में हम बच्चे थे, हमें स्कूल से न्यूज़पेपर मिलता था और ये खबरें सब न्यूज़पेपर्स में होती थी, एवरी डे होती थी। उस समय हमें समझ नहीं आता था, इवन इतना ज़्यादा वो डिटेल्ड में और विविड डिस्क्रिप्शन होता था कि स्कूल की टीचर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर तरीके के बच्चे, हर तरीके का वर्ग न्यूज़पेपर पढ़ता है, और स्पेशली बच्चों को आजकल न्यूज़पेपर एजुकेशन जो है दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक बार आई, पर इतना डिटेल विविडनेस के साथ हर रोज़ आ रहा था। सो देखिए, ये वेग जो है कितना बदनामी भी ला सकता है। विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक और दृष्टिकांड भी हैं। अतः पूर्ण तरह कृष्ण भावामित हुए बिना तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तब तक भगवान मन को ऐसी चीज़ों में लगाए रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पादारविन्दे नव नव रसाधामन्य उद्यतम रन्तुम अस्ति तद अविधि बता नारी संगमे स्मरयामने भवति मुखा विकारः सुष्टु निष्ठवानम च। इसका अर्थ है, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लग गया है और जब से मैंने नित्य नव्य दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं इसे विचार पर थू-थू करता हूँ। कृष्ण भावामृत इतना दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं। कि यमुनाचार्य भी यही कह रहे हैं कि कृष्ण के रस में मैं ऐसा डूब गया हूँ कि अब मुझे जो है, अगर किसी स्त्री के संग, सुंदर स्त्री के संग का विचार भी आता है तो मेरे फेस पे विकार आ जाते हैं। विकार आ जाते हैं मतलब आई एम फील सो प्यूकिश, नॉसिएटेड, मुझे इतना गंदा लगता है कि क्या विचार आ गया, कितना गंदा, छी ये तो अच्छा ही नहीं है, तो मैं उस विचार पे थू थू करता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय जो है कृष्ण भावामृत में इतना, कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। तो आप देखेंगे कि कितने सारे, जैसे विश्वामित्र जैसी तपस्या किसी ने नहीं करी, बहुत भयानक तपस्या उन्होंने की, परंतु मन को नियंत्रण में नहीं कर पाए। सेम एग्जाम्पल हिरण्यकश्यपु का है, रावण का है, दुर्योधन का है, इनके पास सब कुछ था, इतनी तपस्या करने का तपोबल भी था, लेकिन ये अर्जस को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए इनका फॉल डाउन आया।
ये वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो कृष्ण भावामृत ऐसा है कि कोई भूखे मनुष्य को पेट भर खाना देते तो उसको और खाने की या किसी और वस्तु को खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होएगी। तो हमारे मन में एक्चुअली यू नो वी हैव अ डिज़ायर, हमारा जो इनबिल्ट डिज़ायर है, जो हम डिज़ाइंड है कि ईदर वी लव समवन एंड समवन लव्स अस इन रेसिप्रोकेशन। जितना मैं प्यार दे रहा हूँ, मैं अपना मन से प्रचुर प्यार दे रहा हूँ, पर मुझे उससे ज़्यादा मिले या कम से कम उतना तो मिले। कोई भी भौतिक मनुष्य या भौतिक रिलेशनशिप इस चीज़ को फुलफिल कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सब सीमित हैं। तो वो जो है ना कि यू नो लव, एक जो फीलिंग है मतलब जिसको कहते हैं अनलिमिटेड लव वाली फीलिंग, वो आपकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आपको कोई भी यू नो हेड टू टो, एटम टू एटम, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन नहीं समझ सकता एक्सेप्ट कृष्णा, क्योंकि कृष्णा असीमित है। वो सबसे प्यार कर सकते हैं और फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा देंगे कि आपका पात्र भर जाएगा, ओवरफ्लो करेगा। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावामृत में लगा रहता था। स वे मनहा कृष्ण पदार विंद्यो वंचामसी वैकुंठ गुणार्नु वर्णने। उनका मन जो है कृष्ण में लगा रहता था। अब हमने लास्ट टाइम महाराजा अम्बरीश की जो है कहानी को डिस्कस किया था कि कैसे वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। ही वो सो राजा, ही वो सो क्षत्रिय, जस अपनी प्रजा के अच्छे के लिए वो एकादशी व्रत कर रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए जब उन्होंने द्वादशी पे व्रत का पारण करना था। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी ज़रा अपना गायत्री कराऊँ, स्नान कराऊँ, उसके बाद आप व्रत खोलिएगा। और वहाँ पे दुर्वासा मुनि की लग गई, तब लीन हो गए वो किसी चीज़ में, उन साधना में लीन हो गए। और यहाँ पे उनको अम्बरीश महाराज को पारण करना था तो उनके जो पुरोहित थे उन्होंने कहा आप सिर्फ ऐसा कीजिए जल और तुलसी ले लीजिए तो पारण भी हो जाएगा और आप दुर्वासा मुनि की अवज्ञा भी नहीं करेंगे कि उनके साथ ही आप भोजन पाएंगे। लेकिन जब वो लेने लगे दुर्वासा मुनि आए जो कि बहुत ऑस्केयर थे, तपस्या थे, पर उन्होंने क्रोध के वेग के अंदर अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया। और जब उन्होंने मारने का प्रयास किया तो वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का उनके पीछे पड़ गया और तब ब्रह्मा शिव जी और विष्णु किसी ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। इवन विष्णु सेड कि मैं जो हूँ अपने भक्त के पराधीन हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। हम भगवान को कहते हैं ना स्वराट हैं भगवान, अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, सारा जगत उनके हिसाब से चलता है, एक पत्ती भी उनके हिसाब से उनकी रजा के बिना हिलती नहीं है। लेकिन वो भगवान जो स्वराट है वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ भैया, मैं क्या हूँ अपने भक्त के पराधीन हूँ। इसलिए जब तक अम्बरीश महाराज ने उस सुदर्शन को कहा ओके थैंक यू सुदर्शन, आई डोंट नीड योर सर्विस एनी मोर, तब तक वो सुदर्शन जो है दुर्वासा जैसे इतनी तपस्या करने वाले ऋषि को कर पाए। और वहाँ अम्बरीश महाराज के ऊपर जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा सुदर्शन छोड़ा भी था तो अम्बरीश महाराज इतने कंट्रोल से, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया बिकॉज ही वॉज सो सरेंडर, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियाँ उनके अंदर थी, बस में थी और ही वॉज सो सरेंडर टू गॉड। और यहाँ पर दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के वेग को नहीं कंट्रोल कर पाए। सो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमने विश्वामित्र का एग्जाम्पल डिस्कस किया वैसे ही शौवरी मुनि थे। शौवरी मुनि ने भी क्रोध का वेग को नहीं कंट्रोल किया और गरुड़ को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से जो इतने सालों से वो तपस्या कर रहे थे उनका भी फॉल डाउन आ गया और उन्होंने भी जाके विवाह कर लिया। विवाह कैसे किया, वो अर्ज लस्ट का कैसे आया, पहले क्रोध का वेग को उन्होंने क्या कहते हैं क्रोध का वेग को नहीं कंट्रोल कर पाए तो गरुड़ जैसे वैष्णव को श्राप दे दिया। और फिर लस्ट, एक फिश को, फिशेस को मेटिंग करते हुए देख के उनके मन में भी आया कि नहीं मुझे भी विवाह करना चाहिए, और एक राजा की 50 पुत्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। और वैसे ही एक ग्रीड का वेग होता है, जैसे पुंडरीक थे, एक पुंडरीक थे, वो फेक वासुदेव बनने फिरते थे,
विष्णु की तरह ड्रेसअप होते थे, अपने दो नकली हाथ लगा के उसमें गदा पकड़ लिया, शंख पकड़ लिया और लोटस लाड़ लेते थे और कहते थे ये कृष्ण ने मेरा जो है सुदर्शन चक्र चुरा लिया है। तो एक दिन कृष्ण से कहे कि मेरा सुदर्शन दे दो, और भगवान कृष्ण जब अपना सुदर्शन देने लगे तो पुंडरीक उसको होल्ड नहीं कर पाए। सुदर्शन क्या है, इट्स लाइक एन हाइड्रोजनॉइड न्यूक्लियर बॉम्ब, और सुदर्शन को पकड़ने विष्णु कैन कंट्रोल दैट, कहते हैं हाइड्रोजनॉइड न्यूक्लियर रिएक्शन एक बार शुरू हो जाए तो वंस इट स्टार्ट साइंटिस्ट कैन स्टार्ट इट बट साइंटिस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट। जो न्यूक्लियर अटैक हुए थे हिरोशिमा नागासाकी के, दे आर कंपेयर टू ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अर्जुन हैड द पावर कि वो ब्रह्मास्त्र को चला सकते थे और उसको कंट्रोल कर सकते थे वाया मंत्रा, अश्वत्थामा के पास नहीं थे। तो आज के साइंटिस्ट क्या अश्वत्थामा की तरह है, तो आप देखते हैं अश्वत्थामा का कितना बड़ा फॉल डाउन आया। वो उसने स्टार्ट तो कर दिया पर उसको कंट्रोल करना नहीं आया, उसको स्टॉप करना नहीं आया। सो आज के साइंटिस्ट डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, उंगली कर सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं, पर बाद में उसको कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते। सो पुंडरीक वॉज ऑल्सो लाइक दैट। तो जब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन पुंडरीक को दिया, ही कुड नॉट होल्ड इट, जैसे भगवान अपनी उंगली पे सुदर्शन को होल्ड करते हैं, तो पुंडरीक कुड नॉट होल्ड इट। और पुंडरीक ने क्या किया, एक बार भगवान पे युद्ध कर दिया कि मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम जो है मेरी नकली आइडेंटिटी ले रहे हो। यहाँ भगवान को गुस्सा आना चाहिए पर भगवान ने सेल्फ सेटिस्फाइड कह रहे चल करने दे, बच्चा है नौटंकी कर रहा कोई बात नहीं। लेकिन पुंडरीक ने उनके ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी और पुंडरीक ने वहाँ माया जाल से बलराम को भी मारने का प्रयास किया, दिखाया कि बलराम मर गए हैं, लेकिन एंड में भगवान कृष्ण ने उनका अपने उसी सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। दुर्योधन बहुत दम्भी था, दम्भ क्या है, जो क्वालिटीज नहीं है उसके बारे में भी बोलना, एक होता है प्राइड, एक होता है यू नो प्राइड आई एम प्राउड, इट्स अ गुड क्वालिटी, लेकिन एक होता है दम्भ होना, एक होता है यू नो घमंड होना। घमंड होता है कि जो क्वालिटीज है उस पे करना कि बस मेरे पास ही हैं और किसी और के पास नहीं है, और दम्भ का मतलब होता है इवन वो क्वालिटीज़ भी नहीं है और फिर भी ऐसे दिखाना मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरे पास तो है वो क्वालिटीज़, मैं उसका सबसे टॉप का प्लेयर हूँ उस क्वालिटी का। तो दुर्योधन में घमंड भी था, दम्भ भी था। एक बार क्या होता है, दुर्योधन की एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है श्यामा, और कृष्ण के बेटे जो जामवंती थे साम, उनको श्यामा पसंद आ जाती है और वो श्यामा के साथ राक्षस विवाह कर लेते हैं। राक्षस विवाह क्या होता है कि उनको सभा में से उठा के सबके सामने उठा के ले गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता के साथ राक्षस विवाह किया था उसी प्रकार साम ने श्यामा के साथ कर लिया। तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये तो कोई राजा नहीं है, कृष्ण तो छलिया है, हमेशा पांडवों का साथ देता है, हम राजा हैं, हमने थोड़ी सी इनको लैंड क्या दे दी रूल करने के लिए, ये अपने आप को राजा समझने लग गए, ये तो ग्वाला है, मैं अपनी बेटी का विवाह ग्वाला के बेटे के साथ करूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो तब उन्होंने शाम को बंदी बना लिया। कृष्ण को पता चला तो वो युद्ध करने आने लगे, तो बलराम ने कहा अरे मत करो, दुर्योधन तो मेरा चेला है, दुर्योधन तो का मैं गुरु हूँ, मेरी बात दुर्योधन नहीं टालेगा। यू नो बलराम जी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दुर्योधन, क्योंकि उन्होंने उनको गदा सिखाया था, गदा युद्ध करना की टेक्निक सिखाई थी। तो बलराम जी वेंट देयर, तो दुर्योधन फिर अपने गुरु, अरे भाई तुमने इनसे सारी कला सीखी पर गुरु आज्ञा का भी पालन नहीं करा, गुरु की भी सेवा कैसे करनी है वो भी नहीं किया, उनको भी उल्टा बड़ा कहने लगे। और तब बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने प्लॉस से अपने हल से क्या किया, हस्तिनापुर को खींचते हुए जमुना जी में लेके जाने लगे, जमुना जी में डुबोने के लिए। और तब दुर्योधन भागा भागा आया और उसने बलराम जी से माफ़ी मांगी। तो लेकिन देखिए एक दम्भी मनुष्य अपने गुरु को भी नहीं करा, क्यों, क्योंकि ये वेग है, ग्रीड का वेग था पुंडरीक को, उसको ये था, उसको प्राइड का वेग था कि मैं स्पेशल हूँ। दुर्योधन में भी ये दम्भ का वेग था
इनके पास सब कुछ था पर यह कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन धृतराष्ट्र में भी यही था। धृतराष्ट्र में सिर्फ मी और माइन यही वेग था। धृतराष्ट्र क्या करता था, पूरी रात रोता था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, धृतराष्ट्र रोता था, कहता हाय मेरे बच्चे मर जाएंगे। उसको ये नहीं था कि मैं पांडवों का गलत राज्य ले रहा हूँ। उसने पांडवों को चिट्ठी भी लिखी कि युधिष्ठर तुम्हारी गुड क्वालिटीज़ ही तुम्हारा जो है परितोष है, तुम्हारे लिए यू नो प्राइस है। तुम युद्ध मत करो, तुम जो है भिक्षुक बन के रह रहे हो। वैसे भी तुम्हें 12-13 साल की हैबिट तो हो गई है, तुम वैसे ही रह लो, तुम्हारी गुड क्वालिटीज़ ही तुम्हारे लिए प्राइस है। तो युधिष्ठिर महाराज ने वापस लिखा कि नहीं महाराज, अब हमें चाहे छोटा सा लैंड दे दो, हम सब भूल जाएंगे, पर हमारा ये धर्म है, हमारा ये क्षत्रिय धर्म है जिसका हम अभी त्याग नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र को बहुत डर था। तो संजय ने उसको समझाया, महाराज आपको दे देने चाहिए लैंड, नहीं तो युद्ध होगा और आपके बच्चे मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र कहता हाँ तुम सही तो कह रहे हो। फिर रोया, कहता विदुर को बुलाओ। विदुर ने आया, विदुर ने भी सेम चीज़ कही, उसको अच्छी बातें कही। धृतराष्ट्र कहते हैं हाँ तुम्हारा मन बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, पर विदुर मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। फिर रोने लगा। फिर उसने कहा व्यास देव को बुलाओ। व्यास देव क्या है, धृतराष्ट्र के जो है गॉड फादर है। तो व्यास देव आए, उन्होंने पूरी रात गीता विदुर को धृतराष्ट्र को सुनाए। तो सुबह उठ के धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुख से सुन के, पर माफ़ कीजिए मैं इस पर अमल नहीं कर पाऊँगा। उसका जो वेग था मी और माइन का, उसका जो वेग था अपने पुत्र के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो स्क्रूटनी ही नहीं कर पाया, और जिस वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। इवन जब भागवत गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को, और संजय ये दृष्टि देख के धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, और एंड में संजय ने यही कहा कि जिस रथ पे धनोधर अर्जुन है और जहाँ कृष्ण है विजय सखा है, वहाँ कभी पतन नहीं हो सकता। ये निश्चित है महाराज, युद्ध होने से पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसकी विक्ट्री होगी। तब भी धृतराष्ट्र फर्स्ट भागवत गीता शुरू ही होती है, माम काश्च पांडवाश्च किम कृति संजया, कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों में, मतलब ये सारे एक ही वंशज थे, पांडु इनका भाई था, फिर भी धृतराष्ट्र ने डिस्टिंक्शन किया, वो वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत है अनकंट्रोल्ड माइंड आपको हमेशा डाउनफॉल में रहता है, चाहे वो डिसीज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ की हिस्ट्री हो, पूरे ज्योग्राफी बदल के रख देता है। और इवन महान पुरुष हुए, एक थे राजा दशरथ, जिनका नाम दशरथ था, जो दशो दिशाओं को कंट्रोल कर सकते थे, अपने रथ को 10 डायरेक्शंस में मोड़ सकते थे। और दशरथ का मतलब होता है जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सके। 10 सेंसेस होती है, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इन सारी सेंसेस को, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। उन दशरथ महाराज को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या आती थी, कि जैसे ही साउंड सुना बाण करा वो डायरेक्शन पे जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका वेग से गलत उपयोग किया, उसका उपयोग करना था उनको वॉर फील्ड में, लेकिन उस समय उनको वेग आया कि नहीं, मेरे को बहुत सुपर कॉन्फिडेंस आया, ओवर कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने वो शब्द भेदी बाण चलाया जिससे श्रवण कुमार की डेथ हुई, और उनके पेरेंट्स से उनको श्राप मिला। और क्या हुआ, राम जी जो थे, भगवान राम को भी दशरथ महाराज को छोड़ के जाना पड़ा, और वो विरह में रोते राम राम करते हुए की डेथ हो गई। तो देखिए ये वेग है, ये बहुत सटल लेवल पे भी आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग यू नो विविडली दिखते हुए भी आते हैं, और कई बार ये सटल लेवल पे भी आते हैं। जैसे वेग आया कि कल एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, मैच देख लेते, थोड़ा सा देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, और पता ही नहीं चलता कब पूरी रात बीत गई और आपने
पढ़ाई नहीं करी। वेग आया लोगों को, यंगस्टर्स को, कि भैया चलो एक बार पॉर्न देख लेते हैं, एक ही बार देखने कौन सा हमें एडिक्शन है। वो वेग आया, गिव इन किया, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन पूरा। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं मास्टरबेशन करके पूरा नर्वस ब्रेकडाउन आ गया, पेन पकड़ के लिख नहीं सकते प्रॉपर, ठीक है। फिर वेग आया, चलो यार एक बार ड्रग्स ट्राई कर लेते हैं, क्या हो गया, एक ही बार में थोड़ा ना लिवर ख़राब हो जाएगा, एक ही बार में थोड़ा ना सारा अंतर पंतर बॉडी का बिखड़ जाएगा, चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं अल्कोहल। और कब वो चीज़ एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो वेग कन्वर्ट। भगवान कह रहे दशरथ महाराज जो श्री राम के पिता थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कि कई मैया जो कि भगवान राम की मदरली फिगर में से थी, जो राम के सामिप्य में थी, मतलब भगवान के सामिप्य में भी होके, और दुर्वासा मुनि जो भगवान के खुद गुरु माने जाते हैं, कृष्ण के गुरु माने जाते हैं, वो नहीं कंट्रोल कर पाए, तो हमारी तो खाली क्या। तो इसीलिए कृष्ण भावामृत, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान का नाम जप करना इतना इम्पोर्टेंट है, तभी हम इन वेगों को कवर कर पाएंगे। और इसका सोल्यूशन है टॉलरेंस। तो भगवान आगे भी ये खोल के बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आगे अर्जुन भी कहेगा कि मैं विंड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं माइंड के वेग को कैसे कंट्रोल करूँ कृष्णा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। द एंटायर भागवत गीता अनफोल्ड ही होती है कि कैसे हमें अपने वेग्स को कंट्रोल करना है। पहले डायग्नोस, देन यू नो सॉल्व इट, क्योर इट एंड प्रिवेंशन, इसी चीज़ पे भगवत गीता चलती रहती है, और इसी चीज़ पे हमें डिसीज फ्री लाइफ जीने का दिखाती है। तो भगवत गीता का एक एक श्लोक को अगर आप डाइसिफर करेंगे तो इतना डीप सीटेड मीनिंग मिलेगा कि अगर हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर लें, एक शब्द और भगवत गीता को हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सो विथ दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। थ्री टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एक क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे विद न्यू टॉपिक ऑफ विजडम। हरि बोल।